गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन माई विजडम चैनल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बिकॉज वी नो डैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो द यूजेज ऑफ इंग्लिश डेली लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे यूजेज ऑफ डिफिनिट टेंस फॉर्म्स, बिकॉज बिना टेंस के हम लोग अंग्रेजी को अच्छी तरह से बोल ही नहीं सकते हैं, तो बेसिक्स जानना जरूरी है बिल्कुल इंग्लिश का। ठीक है, तो इसमें बेसिक्स में आता है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन और ग्रामर। ठीक है, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और ग्रामर। ठीक है, इसके बाद आता है जो वो आता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को जानना है बढ़िया से टेंस को। तो वी नो डैट कि द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेकन प्लेस। ठीक है, यानी कि क्रिया के रूप को ही टेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वर्ब के रूप को ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। ग्रामर का यूज होना आना बिल्कुल अनिवार्य है और इसके लिए हमको टेंस को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मैं अब डेली वीडियो में एकदम आसानी से बिल्कुल इजी वे में डेली बताता जाऊंगा कि हाउ इंग्लिश इज इजी। ठीक है, तो हमको पता है कि टेंस क्या है अब। ठीक है, और इसके मुख्यतः तीन भाग हैं। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। और इन सभी के चार चार भेद हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट होता है पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट टेंस है उसके बारे में। तो ये होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसके हम लोग चार एग्जांपल को समझेंगे। ठीक है, तो दैट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क विच डिड इन प्रेजेंट टाइम इज नोन एज प्रेजेंट टेंस, यानी कि जब कोई काम वर्तमान समय में होता है तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे जैसे कि चारों टेंस इसके भागों में का एग्जांपल हम लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल है आई हैव रीड्स ए बुक। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है इज राइटिंग अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है मोहन हैज गॉन होम। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है सोहन हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमको पता होता है कि सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये तीनों का अच्छी तरह से यूज आना हमको जरूरी है। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी का बिल्कुल आराम से अगर हम स्ट्रक्चर वाइज डेली प्रैक्टिस करते चले तो बिल्कुल इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो हम लोग पास्ट टेंस को इसके बाद समझेंगे। तो पास्ट क्या होता है, डेट ऑल वर्क विच डिड इन पास्ट टाइम इज नोन एज पास्ट टेंस। ठीक है, तो सारा काम जो जैसे कि हो रहा था हो चुका था, होता आ रहा था, ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। एग्जाम्पल ले लेंगे सभी का, पास्ट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। ठीक है, तो ही वेंट होम, ही वाज गोइंग होम, ही हैड गॉन होम, ही हैड बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। ये हो गया पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। फ्यूचर का लेते हैं, डेट ऑल टाइप ऑफ वर्क विच विल बी डन इन फ्यूचर टाइम, तो उसके क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आई सेल गो होम, आई सेल गो होम, ये एग्जांपल हो जाएगा फ्यूचर टेंस का। तो इस अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाने का नियम क्या है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो बिल्कुल आसान है इंग्लिश को सीखना। ठीक है, अब इसमें इफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और मैं अगले वीडियो में गारंटी लेता हूँ बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को सिखाता जाऊँगा। ठीक है, तो वन बाय वन नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और आसानी से अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।